जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, हम जितना इशू करते हैं ना, लोग उससे ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, हमारे पास सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आती है। जैसे कि ए लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। इसमें हमें 10,000 का एक्सेस मिला है, तो एक्सेस पाए 10,000, ठीक है, इतना शेयर एक्सेस है हमारे पास। इसका हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसका जो हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, 10,000 पे अमाउंट रिसीव है ना, एक्स्ट्रा है, उसके दो ट्रीटमेंट है, कितने, टू ट्रीटमेंट। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है, या तो हम उसे रिजेक्ट कर दें पूरे का पूरा, क्योंकि हम इशू तो नहीं कर सकते, जितना है उतना ही इशू करेंगे ना, हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा है, वो जो पैसा है उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, जो हम आगे अलॉटमेंट मंगवाएंगे ना कॉल्स, उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, एडजस्ट मनी ऑन फर्दर कॉल्स, ओके। चलिए देखते हैं एग्जांपल। सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 ऑफ ₹10 ईच पेपर। एप्लीकेशन पे ₹3, ₹4 अलॉटमेंट, और बाकी का फर्स्ट और फाइनल कॉल, तो कितना का हो गया, 3 का, ठीक है। 60,000 शेयर्स मिल रिसीव्ड हुए एप्लीकेशन पर, अलॉट तो हम 50,000 कर सकते हैं, तो बाकी के रिजेक्ट कर दिए, रिमेनिंग एप्लीकेशंस पर रिजेक्टेड, ऑल कॉल्स पर मेड एंड रिसीव्ड, सो इसके एंट्रीज करते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 17। इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी, 50,000 हमने इशू किया था, है ना, कितना प्राइस था उसका, 10 था, 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, और बाकी की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3। तो हमें रिसीव कितना हुआ, रिसीव्ड 60,000, ओके। तो हमारे पास एक्सेस 10,000 का था, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन में बोला है ना रिजेक्ट करने को, इसीलिए। तो ये एंट्रीज बिल्कुल इजी है, मैंने फॉर्मेट यहाँ बना लिया है, आप लोग भी बना लीजिएगा फॉर्मेट इसी तरीके से। तो वही पैसे रिसीव हुए, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, हम क्या करते थे इसमें, जितना हमने इशू करा 50,000 इंटू में एप्लीकेशन प्राइस, यही करते थे ना, 5 × 3 = 15। पर इस बार क्या है, हमें 60,000 रिसीव हुए हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जितना रिसीव हुए उतना डालेंगे हम, ओके ओके। तो ये हो गया 1,80,000। फिर क्या करेंगे, नैरेशन आप लोग कर ले रहा, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कैपिटल, ओके। और अमाउंट क्या होगा इसका, 50,000 इंटू में 3, 1,50,000, है ना, यही होगा ना। अब इस पर कांटा लगा दो, ऐसे ऐसे सही एंट्री होगी, ये शेयर कैपिटल में 50,000 के हिसाब से जाएगा और बाकी का बैंक में चला जाएगा, ओके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट है, 50,000 शेयर्स थे ₹4 के, तो 2,00,000 रुपीस, ओके। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ओके।
2 लाख। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना है 50,000, 3 रुपए के हिसाब से तो 1,50,000, 1,50,000। फिर इसके पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। आप इस फर्स्ट कॉल को फर्स्ट एंड फाइनल लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसलिए ओके ऐसे लिख सकते हो। अब अमाउंट लिख देंगे 1,50,000। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है ये वाला। फटाफट से इसका रिकैप ले लेते हैं। 50,000 हमने इशू किया था, हमें रिसीव हुए 60,000 और 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिया। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,80,000, 60,000 शेयर्स के हिसाब से। ये वाली गलती नहीं करनी हमें, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है 50,000 शेयर कैपिटल में जाएगा और बैंक में जो हमने अमाउंट रिजेक्ट कर दिया था ओके। फिर शेयर अलॉटमेंट 50,000 के हिसाब से शेयर कैपिटल बैंक, फिर फर्स्ट कॉल, फिर बैंक एंट्री ओके। अब हम नया केस देखते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रीमियम के साथ। ठीक है, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो एक्स लिमिटेड 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू करते हैं 100 का, प्रीमियम कितना है 30 रुपीज़, एप्लीकेशन 50 की है, अलॉटमेंट 80 का। तो मतलब प्रीमियम कितने का, 50 + 30 अलॉटमेंट ओके। एप्लीकेशन रिसीव हुई 2 लाख के, सारे अलॉट कर दिए और जो 1 लाख के एप्लीकेंट्स थे उनको हमने लेटर ऑफ रिग्रेट दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया उनका एप्लीकेशन। तो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन इशूड कितना है, इशूड शेयर 1,00,000, हमने तो 1,00,000 इशू किया, रिसीव हमें 2,00,000 हो गए तो बाकी का रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट 1,00,000 कितने का 100 रुपीज़, 50 एप्लीकेशन और 50 + 30 अलॉटमेंट ओके। अब इसकी एंट्रीज करते हैं। अगेन मैंने फॉर्मेट बना लिया है, आप लोग भी बना लेना। तो बैंक अकाउंट, बैंक में कितना आएगा 2,00,000 के हिसाब से 50 रुपये, ठीक है 2,00,000 पे 50 रुपीज़, 1 करोड़, 1,000,000, बहुत ज़्यादा ही ज़ीरो है इसमें, डिजिट ज़्यादा ले ली ना मैंने इसीलिए, कोई बात नहीं। अब हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन ओके। चैप्टर बहुत इजी है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 1,00,000, 1,00,000। अब शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे ना हम, ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ बैंक की एंट्री नहीं डाली हमने। शेयर कैपिटल में तो कितना जाएगा, 1,00,000 के हिसाब से जाएगा ना, आप लोग मत करना ये गलती ओके। तो ये कितना आ जाएगा 50,00,000 ओके, और बैंक में टू बैंक, इसमें भी सेम अमाउंट 1,00,000 के हिसाब से 50 रुपीज़, तो 50,00,000। अब अलॉटमेंट का अमाउंट लिखते हैं, तो 1,00,000 के हिसाब से
कितना 80 रुपीज़, हाँ भूल जाती हूँ मैं। तो ये हो गया 80 लाख रुपीज़। मुझे लग रहा है मैंने गड़बड़ कर दिया। हाँ शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आती है ना, इसे कट करो यहाँ से। ओके 1 लाख पे सिर्फ 50 रुपीज़ आएगा शेयर कैपिटल में, 50 के हिसाब से, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, रिजर्व 1 लाख पे 30 रुपीज़, तो 30 लाख इसका काट के 50 लाख। यहाँ पे नहीं नहीं 30 लाख है। ओके अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आएगा 80 लाख, यहाँ भी 80 लाख, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो नोटबुक में, नहीं करते हो तो रजिस्टर लो, पेन लो और करो मेरे साथ साथ।